देखिए ओ सिर्फ एक एक लड़की। क्यों सिर्फ एक, क्यों दूसरे क्यों नहीं? क्योंकि एक वक्त में एक ही लड़की को सिखाया जा सकता है। फिर तो वो फोग फलफ है, बिफिल कुफल पफाग फलफ है। हम कोई काम अलग अलग नहीं करते, हम हर काम मिलके करते हैं। हम एक हैं, समझे? हम एक हैं। इसके साथ ही आपके खतों से तरतीब दिया हुआ प्रोग्राम आई लव 107 खत्म हुआ। अपने दोस्त शहरयार खान को इजाजत दीजिए, लेकिन सूफिया आपके साथ हैं, जो भी थोड़ी ही देर में आपकी खिदमत में पेश करेंगी तिब्बी मशवरों का प्रोग्राम मेडिकल मोमेंट्स। सूफिया आपके साथ है, क्यों जी तुम किधर चले? मैं जरा रेस्टोरेंट तक जा रहा हूँ। अकेले अकेले? एक दोस्त को टाइम दिया हुआ। ओहो, वो कौन सी दोस्त है जिसे मैं नहीं जानती? कौन सी नहीं, कौन सा सलीम मेरा स्कूल के जमाने का दोस्त है, 12 साल बाद कनाडा से लौटा है। कनाडा? फिर वो मेरा दोस्त हुआ ना, तुम बीच में कहाँ से आ गए? हाँ बताया था मैंने उसे, एक कनाडा क्रेजी चीज हमने भी पाल रखी है। देखो चेरी, कोई कनाडा से मेहमान आया और तुम उसे अकेले अकेले मिलाओ, वो भी मेरे बगैर, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। अच्छा बाबा, वो कनाडा से नहीं आया, वो कीनिया से आया, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो प्लीज। गलती की गुंजाइश नहीं है मेरे भाई, अब तो तुम्हें मुझे साथ ले जाना ही पड़ेगा प्लीज। और यहाँ क्या होगा? वही जो ऐसे मौकों पे हुआ करता है, बुलबुले बनेंगे और फटेंगे। याकूब, ओए कूबे। जी मिस साहबा। जरा पैनल संभालो, हम रेस्टोरेंट तक जा रहे हैं। और हाँ, डॉक्टर साहब आए ना तो उन्हें फोन इन का तरीका समझा दो। बहुत बेहतर। देखो, मुझे ड्राइविंग सिखाने की एक बहुत अच्छी जॉब मिल चुकी है। अगर तुम्हें निकाल दिया ना बिस्मिल साहब ने, तो क्या करोगी, कहाँ जाओगी? कनाडा, और कहाँ? चलो। तो MBBS करने के बाद अब कनाडा क्यों चले गए? मैं तो दरअसल अमेरिका गया था क्लिनिकल साइकेट्री की ट्रेनिंग के लिए, लेकिन ट्रेनिंग के बाद मुझे कनाडा में जॉब ऑफर हुई, इसलिए वहीं चला गया। देखिए, मैं उन लोगों में से हरगिज नहीं हूँ जो महज बाहर जाने के लिए तड़पते रहते हैं। मुझे अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया कहीं जाने का शौक नहीं है, मैं सिर्फ टोरंटो जाना चाहती हूँ। लगता है आपको नियाग्रा फॉल्स की तस्वीरों ने मुतासिर किया है। जी नहीं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है नियाग्रा व्याग्रा। क्या कहा? मुझे उस साफ प्यार में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे सिर्फ टोरंटो अच्छा लगता है। ऑर्डर भी किया कि नहीं? कर दिया जनाब, स्पाइसी चिकन। और मेरे नगेट्स आ रहे हैं वो भी। थैंक्स। तो सलीम साहब, मॉन्ट्रियल से अगर आप टोरंटो जाओ तो कितनी देर में पहुंच जाते हैं? भाई कार पे, ट्रेन में या आइए। वैसे ये तो ज्यादा सफर पैदल ही करती है। वैसे लगती भी कुछ पैदल ही है। व्हाट डू यू मीन? हाँ जी, तो डॉक्टर साहब, अगर सुबह सुबह पेट में दर्द उठे, मतलब ये कि फरियाद बिल्कुल लबों तक आ जाए, तो बंदे को फिर क्या करना चाहिए? देखिए, पेट के दर्द को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि आजकल अंतड़ियों की बीमारियां और हेपेटाइटिस बी का मर्ज आम हो चुका है। तो ये पता कैसे चलता कि हैपी टाइटोनिक ABCD हो गया है? ये ब्लड टेस्ट के जरिए। पेट में मरोड़ उठे, बंदा तो लोटे की तरफ दौड़ता है कि खून टेस्ट कराता फिरता है। इन डॉक्टरों ने भी आत्मचाई हुई है, सीने में दर्द हुआ तो 500 का एक्सरे, 700 का अल्ट्रासाउंड, और अगर पेट में दर्द हुआ तो 800 का खून टेस्ट। आपसे तो मासी हमीदा ही अच्छी है, जो मूली का नमक, सूंड और आम चूर को ऐसा मिक्स करके एक ऐसी चीज बनाती है कि चूरन अंदर और दर्द बाहर। देखिए, मामूली बदहजमी के लिए तो ऐसे घरेलू टोटके चल सकते हैं, लेकिन पेट की हर बीमारी का इस तरह इलाज करना बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। हाँ जी, डॉक्टरों के लिए तो बड़ा खतरनाक है। कहाँ मासी हमीदा की 1 रुपए की फक्की और कहाँ आप लोगों का 800 का निरा खून टेस्ट।
और दवाइयों के पैसे बिल्कुल अलहदा। देखें, अगर आप मेडिकल साइंस की इस तरह तोहीन करेंगे तो मैं ये प्रोग्राम नहीं कर सकूंगा। गाड़ी खाली है? हाँ जी, आपकी गाड़ी खराब होगी क्या? है? नहीं। तो पेट्रोल खत्म हो गया? हाँ, सुबह ही मैंने पूरी टैंकी फुल कराई है। तो फिर आप टैक्सी में क्यों जाना चाहते हैं? इसलिए के रेडियो है तुम्हारी गाड़ी में? हाँ जी है। बैठो। तो नहीं करते तो आप मुझे डराएं ना। सुनो, ना करें, मैं मासी हमीदा को यहाँ बुला लूंगा और साथ मेरा मासड़ भी आ जाएगा। मासी मासड़ जिंदाबाद जिंदाबाद, मासी मासड़ जिंदाबाद। इस तरह की नशरियात 3 मरतबा मेरा एक्सीडेंट करवा चुकी है। ये शहरी और सोफिया कहाँ होंगे? सोफिया, फौरन से पहले स्टूडियो पहुंचो वरना आज हमारी नौकरियों का आखिरी दिन होगा। क्या करनी है ऐसी नौकरी, जाती है तो जाए। ओहो, जब तक यहाँ हो तब तक तो किए जाओ, जब बाहर जाओगी तो छोड़ देना। बाहर मुझे कोई शौक नहीं है बाहर जाने का, मैं सिर्फ कनाडा जाना चाहती हूँ। और तो कनाडा भी तो बाहर ही है, तो गुजरात में तो नहीं है। हेलो शहरी, तुम इस वक्त कहाँ हो? जी सर, मैंने सोफिया को भेज दिया, वो स्टूडियो पहुंचने वाली होगी। वेयर ऑन अर्थ आर यू राइट नाउ? सर मैं भी जा रहा हूँ, मैंने सोफिया को भेज दिया। वेयर द हेल आर यू शहरयार? सर मैं जरा वॉशरूम तक आया था, बस मैं जा रहा हूँ वापस। कौन से वॉशरूम में, जनाना या मर्दाना? ऑफकोर्स सर मर्दाना। तो सोफिया वहाँ क्या कर रही है? सर बस मैं जा रहा हूँ वापस। यू आर नॉट इन द वॉशरूम? ठीक बताओ शहरयार, तुम कहाँ हो? सर मैंने ठीक बता दिया तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। कम ऑन शहरयार, टेल मी द ट्रुथ। तो ट्रुथ ये है सर कि मैं रेस्टोरेंट में हूँ। ओह नो! मंगल की शाम 6:30 बजे अपने बाएं हाथ की चीची उंगली में पहन लेना चाहिए। अंगूठी सोने की होनी चाहिए, तांबे की? ना जी ना, तो चांदी की होनी चाहिए। मेरे ख्वाब की ताबीर तो आपने बताई नहीं। क्या चीज? इन्होंने जो ख्वाब सुनाया अपना, सांप और न्योले की लड़ाई वाला, उसकी ताबीर पूछ रही है ये। और देखिए खतून, उस ख्वाब में जोड़ा न्योला है ना, और थोड़ा घूरता रहता है, वह था थोड़ा मालिक मकान, और जोड़ा सांप है वह आपका मंगेतर है। जिस तरह मेरे गल होया, मैं ख्वाब देख रहे हैं कि एक सुमिंबर रचया है और मैडम हथा में एक फुला की माला लेके उन्हें दो उम्मीदवार की तरफ बढ़ रही है जो उसके गैल शादी के खास मंद है। नहीं नहीं मोहतरमा, फिक्रमंद होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिस तरह
मैडम का हार आखिरकार मेरे ही गले में पड़ेगा। इस तरह आपका मगेतर असल जिंदगी में न्योले नू मार देगा और आपनू हासिल कर लेगा। और अगली कॉल लेने से पहले हम आपको बता दें कि सितारों की गर्दिश आप अपने महबूब रेडियो स्टेशन FM 107 से सुन रहे हैं। आप भी अपनी किस्मत का हाल जानना चाहते हो, लकी स्टोन का पता करना चाहते हो या अपने ख्वाब की ताबीर जानने की आरजू रखते हो तो अभी फोन मिलाइए और हमारे माहिर नजूम पीर बख्श मोतियावाला से राब्ता कीजिए। हमारा नंबर है 0800-333-222-107। और लीजिए अगली कॉल आ गई। ओके माय डियर, ओके अल्लाह हाफिज। यार सूफिया की तरह हजारों लोग कनाडा भागने के लिए परतोल रहे हैं और तुम उल्टा इधर आ गए। यार असल में रिसर्च के लिए कुछ फंड मिला था, सोचा चलो वतन की सैर भी हो जाएगी और रिसर्च भी। किस चीज पर रिसर्च करना चाह रहे हो? म्यूजिक थेरेपी। यानी म्यूजिक के जरिए बीमारियों का इलाज? एग्जैक्टली। नॉनसेंस। क्यों भाई, व्हाई नॉनसेंस? यानी एक आदमी बुखार में फूंक रहा हो और तुम उसके सामने बैठकर गजल गाने लगोगे, ये तो वही बात हुई ना कि भैंस के आगे बीन बजाने वाली। यार भैंस के आगे बीन बजाना कोई फजूल बात नहीं, और तजर्बात से ये चीज साबित है कि मौसीकी सुनने वाली गाय भैंस ज्यादा दूध देती। आर यू सीरियस? हाँ भाई, मैंने कनाडा में खुद तजर्बात किए हैं कि अगर बीथोवन की 9th सिम्फनी का एक खास हिस्सा बार बार सुना जाए तो कमर का दर्द गायब। इसी तरीके से आधे सर के दर्द के लिए बाख और हैंडल की मौसीकी बड़ी बेहतर साबित होती। लेकिन इस सिलसिले में तुम यहाँ क्या रिसर्च करोगे? यार मेरा ख्याल है, बल्कि अब तो मुझे यकीन है कि हमारी जो क्लासिक मौसीकी है ना, ये सिलसिले में खासी मौसर साबित हो सकती है। मसलन राग मालकंस की ये बंदिश जो मैंने बनाई है, इसको अगर मुसलसल 3 ताल में सुना जाए तो जोड़ों का दर्द फिशू। रियली? सुनाओ। अर्शाद। सग मदनी सा सानी दमग सा मुख मोड़ मोड़ मुस्कात जात, मुख मोड़ मोड़ मुस्कात जात, अत छबली नार कर पत सिंगार, मुख मोड़ मोड़ मुस्कात जात। यार डॉक्टर तानसेन, मुझे लगता है कि तुमने कुछ सुर ऊंचा या नीचा कर दिया है, मेरे तो जोड़ों में दर्द शुरू हो गया है। यार तेरी बकवास नहीं चाहिए मुझे। अच्छा डॉक्टर तानसेन, ये बता के तेरे पास कोई ऐसी राग या रागनी है जिससे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि हमारे बॉस का जो पारा है ना वो 1 मिनट में आसमान तक पहुंच जाता है। वैसे सिस्टोलिक बीपी के लिए राग दरबारी खासा इफेक्टिव है, और डायस्टोलिक बीपी के लिए तो एक बंदिश मैंने खुद तैयार की हुई है राग जौनपुरी में। अच्छा वैसे बाय द वे तेरे बॉस का कौन सा बीपी हाई है? चल खुद ही चल के देख ले, आ जा। कहां गायब हो गए थे तुम? सुबह से मेरा खून खोल रहा है, इन 3 हफ्तों में यह मेरा 4th एक्सीडेंट है। मेरी बात सुनो बरखुरदार, ये रेडियो स्टेशन है, कोई भटियार खाना नहीं है कि मुंह उठाए और चले आए। मैं तुम सबको फायर कर दूंगा, सबको। ये स्टेशन मैंने तन तनहा 4 साल तक चलाया है, अब भी चला सकता हूं, मताज नहीं हूं तुम लोगों का। चला जाओ यहां से, गेट लॉस्ट। सर 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 सर, आपका ब्लड प्रेशर पहले ही हाई है और शुगर लेवल भी आसमान से बातें कर रहे हैं, और ये दोनों बीमारियां जब इकट्ठी नाजिल होती है ना तो ये आपस में जमा नहीं होती बल्कि जर्क खा जाती हैं सर, दे मल्टीप्लाई। आपके गुस्से और कचीची का अगर यही आलम रहा ना तो आपकी ये शुगर लेवल एक दिन डायबिटिक हाइपरटेंशन में बदल जाएगी, और उसकी अगली स्टेज तो आप जानती हैं, डिप्रेसिव मेलनकोलिया। ओह यस, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है बॉस, क्योंकि इस दुनिया में हर मर्ज का इलाज मौजूद। कौन डॉक्टर? डॉक्टर तानसेन मेरे दोस्त हैं, डॉक्टर सलीम, उन्हें मैं प्यार से कहता हूं डॉक्टर तानसेन। यस बॉस, मैं आपके लिए एक इंप्रेसिव सी सामने वाले रेस्टोरेंट से कॉफी लेके आता हूं। ओके नी सारे नीरे
कर दिया आपने। बैठिए बैठिए। क्या आप हमारे रेडियो स्टेशन से प्रोग्राम करना पसंद करेंगे? वो बिस्मिल साहब, मैं शहरी से पूछ के बताऊंगा। शहरी कौन होता आपको बताने वाला? वो यहां का एक अदना मुलाजिम है। आई एम द बॉस। यहां तमाम अहकामात मेरे चलते हैं और यहां के मुलाजमीन उस पर अमल करते हैं। अभी देखिए, शहरी हमारे लिए कॉफी लेने गया है, मैं उसे मिलवाता हूं। हेलो शहरी, कॉफी का क्या हुआ? अच्छा खैर खैर, सुनो, कल से पीर बख्श मोतिया वाले का प्रोग्राम ऑन एयर नहीं जाएगा, उसका स्पॉन्सर नहीं मिल रहा। सिफारिश किसी की भी हो, आई डोंट केयर। देखो देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम यहां के एक मामूली अनाउंसर हो। मैं बॉस हूं, स्टेशन मैनेजर हूं, जो मैं कह रहा हूं वो करो बस। लिसनर्स को हम मोतिया वाले से बेहतर आदमी देंगे। कैनेडा रिटर्न्ड है, क्वालिफाइड डॉक्टर है और माहिर नफ्सियात है, और सबसे बढ़कर तुम्हारा दोस्त है। हाँ यार, इस तरह मुझसे मत झगड़ो, मेरी बेइज्जती मत करो। वो मेहमान है, क्या सोचेगा? मेरा ख्याल करो कुछ। हाँ हाँ, बस ठीक है, कह दिया ना मैंने, कल से मोतियावाली की जगह डॉक्टर तानसेन का प्रोग्राम ऑन एयर जाएगा, डेट्स ऑल। अफसरों से बहस करना बेवकूफी है, होता वही है जो अफसर चाहते हैं। बेशक बेशक। लीजा लीजा, मोना मोना, हलवा दे, जलवा दे, जो भी खाए मजे उड़ाए। ये भी डाल वो भी डाल, 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 तू डाल डाल मैं पास पास। आपसे क्या पर्दा, जाते मेरा रेडियो प्रोग्राम शुरू हो जाए, मेरी आमदनी बता 10 गुना इजाफा हो गया। शहर की हर तीसरी औरत की उंगली में मेरी देवी अंगूठी पाई हुई है। मेरा मतलब है, मेरी यहां तो सैकड़ों अंगूठियां बिक गई। जिस ज्वेलर के गैल मन्ने काम कर रहा है, उतना खुशी गल पागल हो गया। मैं तो हूँ सोचता था इस डब्बे ते जान छड़ा के एक गड्डी बना लवा, और उदे मैं हीरे जवाहरात की पूरी दुकान फिट करके गली महल्ले में घूम के माल बेचा अपना। उस गाड़ी में एक म्यूजिकल हॉर्न भी लगवाना, पुपू पुपू पुपू, ताकि तुम जिस महल्ले में जाओ ना, सब औरतों को पता चल जाए कि मोतिया वाला आ गया है। और इस गड्डी पर हरी लाल नीली पीली गुलाबी पत्तियां लगावांगा, मिर्चा इलेक्ट्रिक मिर्चा, जिन्होंने कहा जगमग जगमग करेंगी, और हरन बोलेगा पपा 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 पपा। बड़ा मजा आएगा, इट विल बी ग्रेट फन। पर मैडम, मेरा तो प्रोग्राम ही बंद हो गया, अब यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं आएगा। सब आएंगे, आएंगे मोतियां वाले। हो तो आप बसीरे से कह देंगी ना? आई टीच हिम अ लेसन। अच्छा जी। हाँ जी नदीम, मैं बुला के ले आऊंगा जी। नहीं नहीं, कमाल करते हैं आप भी मोतियां वाले, हो इस तरह ना बिहेव किया करें। किस तरह? यही जो नौकरों की तरह उठ उठ कर भागते हैं फिर काम के लिए। हम मालिक लोग हैं, हमें मालकों की तरह बिहेव करना चाहिए, वरना तो ये नौकर लोग सर पे चढ़ जाते हैं। एंड टू टेल यू द ट्रूथ, मुझे ना आपकी नदीम के साथ ये बेतकल्फी बिल्कुल पसंद नहीं है। असल में दरअसल उस गल बड़ी पुरानी वाकफियत है, जरा मुंह मिला जाता रखना पै जा जी। नहीं, मैं ये तो नहीं कह रही कि आप उसे बदतमीजी से पेश आए या उसको नफरत की निगाह से देखें। आई मीन, आपको एक उसके साथ रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए।
नदीम, ओ दीमे नदीदे, कहाँ मर गए? आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। अब बोलो। This is the lunch, do you understand? जी मैडम। लड़कियाँ क्या कर रही हैं? वो जी रेडियो के ऊपर हलवा बनाने की तरकीब आ रही है ना, वो सुन भी रही हैं और साथ साथ हलवा भी बना रही हैं। अच्छा, जब हलवा तैयार हो जाए तो हलवा तो बना पड़ा है मैडम, बस तैयारी समझे, लेके आऊं? पहले पूरी बात सुनो, बीच में मत धोखा करो। जी मैडम। जब हलवा तैयार हो जाए ना, एक प्लेट को अच्छी तरह से पैक करके बिस्मिल साहब के दफ्तर दे आना। उस रेडियो स्टेशन पर मैडम? हाँ, FM 107। इतनी दूर में जाऊंगा कैसे? पैदल। कितनी दफा तो कहा है मैडम कि मेरे को मोटरसाइकिल लेके दे दो, अब देखो ना मोतिया वाले। परेनू जरा परेनू, एक रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस रखे घर मेरे घर। कहा रहा करूं साईं? एक आबरू मंदाना जिहा फासला। पीर बख्श, तू भी? हाँ हाँ, मैं भी, आखिर मालिक है हम लोग। थोड़े जाए नौकर नू पोरा जी लिफ्ट करा के सर पर चढ़ा लीए ना। मैडम, ये हलवा बसीरे नू तुसी रिश्वत के तौर पर भेजे? नहीं, सजा के तौर पे। सजा? हाँ, उसको भी पता चले ना उसके रेडियो स्टेशन से कैसी उल्टी सीधी रेसिपीज नशर हो रही हैं। साईं पहले हलवा खा लें, इसलिए कि ठंडा हो जाएगा, मजा चला जाएगा इसका। हाँ, हलवा। Oh, God.